आपको स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल केबी क्रिएशन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ आम की पापड़ी। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी है और ये बच्चों को बहुत ही पसंद आता है और ये मेरा मेरा भी फेवरेट है। और अगर हमेशा की तरह मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे क्लिक कर दो और मेरा रेसिपी कैसा है प्लीज़ कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए आज इस आम की पापड़ी को बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे आम 2 kg लिया है पका हुआ, मैंगो लिया है यहाँ पे 2 kg आम। इस आम पका हुआ आम को हम अच्छी तरीके से पानी में धो देंगे, साफ कर लेंगे, उसके बाद हम आम की पापड़ी बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं आम को धो रही हूँ अच्छी तरीके से। ये कितना बहुत अच्छा पका हुआ है, देखिए इसको हम अभी धो देंगे। देखिए अभी हम इस मैंगो को हम उसका छिलका मतलब अलग करेंगे। देखिए सभी मैंगो के छिलके को हम अलग करेंगे। देखिए इसका छिलका को हम अभी अलग करेंगे मतलब छील देंगे। आप चाहे इसे ग्राइंड भी कर सकते हो पर मैं आपको हैंड में इसका जूस निकाल के बताऊंगी। देखिए बिना ग्राइंड किए हुए इससे बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। देखिए इसको इस तरह से इसका जूस हम निकालेंगे बिना ग्राइंड किए हुए, इसे बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। देखिए सभी मैंगो की इस तरीके से हम जूस निकालेंगे और ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छे से पका हुआ है मैंगो। इसका जूस अच्छे से निकल रहा है। देखिए अभी सभी मैंगो की जूस निकल चुका है। अभी हम उसको एक छलनी में छान लेंगे अच्छे तरीके से। देखिए ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे आम की। देखिए उसको मैं छान रही हूँ अच्छी तरीके से। इससे मैंने हाई फ्लेम में पहले 5 मिनट पकाया है। देखिए देखिए ये कितना अच्छा जूस निकाला है आम से, कोई भी गुठली नहीं है आम में। हमने यहाँ पे 1 कप शुगर डाली, 1 कप शुगर डाले हैं यहाँ पे। उसके बाद शुगर और मैंगो को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। देखिए इसे हमें लो मीडियम फ्लेम में पकाना है। देखिए मीडियम फ्लेम में ये पक रहा है। एक देखिए उबाला आ गया है मैंगो और चीनी का मिक्स। देखिए ये कितना अच्छे तरीके से ठीक हो गया है। इसे अब हम और थोड़ा ठीक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे काला जीरा 1 टीस्पून, रेड चिल्ली पाउडर 2 टीस्पून। देखिए यहाँ पे रेड चिल्ली पाउडर के बाद हम यहाँ पे डालेंगे जीरा का पाउडर 2 टीस्पून। उसके बाद मतलब ब्लैक सॉल्ट डालेंगे 2 टीस्पून। उसके बाद वाइट सॉल्ट 4 टीस्पून। देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया 4 टीस्पून। उसके बाद हमें यहाँ पे डालना है चिली फ्लेक्स। इसको हम अभी मिला लेंगे अच्छी तरीके से। देखिए कितना अच्छा तरीके से ठीक हो गया है हमारा मैंगो। फिर इसमें मैं डाल रही हूँ सौंफ 2 टीस्पून। देखिए ये सौंफ पाउडर है 2 टीस्पून, इसको भी हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे
जो जलजीरा का पाउडर, देखिए इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो ना डालें। उसके बाद हम इसे बॉईल कर लेंगे 5 मिनट्स मैं के एक स्टील लिए। की थाली ली हूँ देखिए कितना अच्छे तरीके से और थिक हो उसके गया बाद है। हम यहाँ पे तेल या अब हम घी, किसी एक को भी हम घी को ग्रीस कर लेंगे। आपके पास घी है तो घी को ग्रीस करेंगे, अगर तेल है तो तेल को ग्रीस करेंगे। आप किसी को भी दे के ग्रीस कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने जो मतलब मैंगो का मिक्स मिक्स बनाया था उसको यहाँ पे हम डाल देंगे। देखिए ये जो मैंगो का मिक्स को मैंने यहाँ पे डाल दिया, और इसको मैंने 3 प्लेट में डाला था, और उसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया था तीनों में, एक में ग्रीन, एक में ऑरेंज और एक में येलो। और अभी हम इसको धूप में 3 दिन तक सुखा देंगे। देखिए ये सूख रहा है 3 दिन, देखिए ये सूख चुका है। अब हमारा आम का पापड़ बन के रेडी हो गया। देखिए कैसा लग रहा है, बहुत दिखने में भी बहुत अच्छा है और टेस्ट में इसका बहुत ही अच्छा है। आप भी घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, कैसा है प्लीज़ कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और कैसा है कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Thank you.